Hey fam, what's up? So welcome back to my channel. तो आज I am going to show you my full leg workout. क्या क्या करता हूँ मैं leg day वाले दिन, मेरा प्री वर्कआउट रिचुअल क्या क्या है, मैं क्या एक्सरसाइजेस करता हूँ मोबिलिटी के लिए, एंड उसके बाद लेग डे में मैं क्या क्या वर्कआउट परफॉर्म करता हूँ, उन सब के बारे में बात करेंगे. इवन आई एम गोइंग टू शो यू ईच एंड एवरी एक्सरसाइज. उसके साथ साथ आई एम गोइंग टू शो यू माई प्री वर्कआउट एंड माई पोस्ट वर्कआउट न्यूट्रिशन एज वेल. सो लेट्स बिगिन. तैयार होते हैं एंड लेट मी शो यू सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो तुम्हें लेग डे से पहले चाहिए एंड बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत छोटी चीजें हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट है. सो शुरू करते हैं. सो अच्छा खासा नहा के निकले थे बट क्या हुआ, जैसे ही नहा के निकले घर पे लाइट ही नहीं थी एंड जितनी देर में तैयार हो रहा था जिम जाने के लिए उतनी देर में वापस सारा पसीना आ गया, तो कोई फायदा ही नहीं हुआ. सो उसको छोड़ो. सो लेट्स डाइव इन द वीडियो एंड टॉक अबाउट द 3 एसेंशियल थिंग्स जो हमें चाहिए बिफोर लेग डे. इसमें से 1-2 ऐसी हो सकती हैं डिपेंडिंग ऑन योर जेनेटिक्स, योर बोन की लेंथ एंड एवरीथिंग की तुम्हें ना चाहिए हो. सो 3 चीज़ें क्या है. द नंबर 1 थिंग इज अ स्क्वाट और वेट लिफ्टिंग शूज़. यस, मेरे पास एंकल मोबिलिटी की कमी है, मेरे एंकल में उतनी मोबिलिटी नहीं है जिसकी वजह से मैं स्क्वाट्स के टाइम पे फुल रेंज ऑफ मोशन अचीव नहीं कर पाता, एस टू ग्रास नहीं कर पाता. सो जब मेरी हील की एलिवेशन हो जाती है, स्क्वाट शूज बेसिकली हार्ड सोल होते हैं और हील एलिवेटेड होती है उनकी, तो उसकी वजह से आई कैन गो टू मोर डेप्थ, एस टू ग्रास स्क्वाट कर पाता हूँ, मोर क्वाड डोमिनेंट होते हैं. सो दिस इज द 1 थिंग दैट यू नीड. इसके बाद हम बात करते हैं दूसरी चीज की, दैट इज नी रैप्स. अगर तो तुम्हें लो बार स्क्वाट्स करनी है, तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ चेक करनी है, येस यू नीड नी रैप्स. नी रैप्स बेसिकली तुम्हारे जॉइंट्स के आसपास स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं, ठीक है, रिस्क ऑफ इंजरी को भी थोड़ा सा कम कर देते हैं. सो येस यू शुड यूज नी रैप्स अगर तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ चेक करनी है. एंड द थर्ड थिंग दैट यू नीड इज अ वेट लिफ्टिंग बेल्ट. सो अब वेट लिफ्टिंग बेल्ट को लेके हमारी जो फिटनेस इंडस्ट्री है ना, उसमें बहुत ज़्यादा मिथ है कि तुम्हारी बैक की इंजरीज को रोक लेगी अगर तुम राउंडेड डेड लिफ्ट कर रहे हो, बेल्ट पा के करो, बच जाएगी बैक. सो मैं तुम्हें बेल्ट का मैकेनिज्म समझाता हूँ. तुम्हारी बॉडी में जब भी तुम सांस ले रहे हो ना, अपने पेट में पूरी सांस भर रहे हो राउंड द एब्डोमिनल 360, तो तुम्हारी जो एब्डोमिनल में प्रेशर है वो बढ़ता है. बेसिकली इंटरनल एब्डोमिनल प्रेशर जब बढ़ता है और तुमने बेल्ट पाई होती है तो तुम्हें मोर स्टेबिलिटी मिलती है. बेल्ट तुम्हें ज़्यादा स्टेबिलिटी दे रही है. बेल्ट एक ऐब की लेयर की तरह, जैसे तुम्हारे एब्स तुम्हें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं सीधा खड़ने के लिए, ज़्यादा लिफ्ट करने के लिए, वैसे ही बेल्ट बेसिकली तुम्हारा एब्डोमिनल प्रेशर अच्छे तरीके से कंट्रोल करने में हेल्प करती है. सो दैट्स द ओनली यूज ऑफ अ वेट लिफ्टिंग बेल्ट. इंजरी प्रिवेंशन में येस इट माइट हेल्प बट मेन यूज उसका ये है. तुमने 2 कैन देखे होंगे, अगर मैं तुम्हें बोलूँ ना, एक पूरा प्रेशर कोक का कैन है, उसके ऊपर खड़े हो जाओ और उसमें एक भी होल नहीं होगा ना, तुम उसके ऊपर खड़े हो जाओगे, वो क्रश नहीं होगा. बट अगर उसी कैन में हल्का सा भी होल होगा, तुम उसके ऊपर खड़े होगे ना, वो सारा कैन क्रश हो जाएगा. सो बेल्ट बेसिकली तुम्हें क्रश होने से बचा रही है. बेल्ट बेसिकली तुम्हारे एब्डोमिनल में मोर स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रही है. सो दीज आर द 3 एसेंशियल थिंग्स जो मुझे चाहिए होती हैं लेग डे से पहले. अब हम चलते हैं प्री वर्कआउट मील लेने एंड उसके बाद वी आर गोना डाइव इन टू आवर वर्कआउट एंड वी आर गोना किल आवर लेग्स. लेट्स गो. सो हमने अभी ली है एक प्रोटीन कुकी. तो मौसम एकदम ही बढ़िया होता हुआ और हम जिम को जाते हुए. सो गाइस, बेसिकली सबसे पहले हम फोम रोलिंग कर रहे हैं. फोम रोलिंग बेसिकली SMR टेक्निक होती है, सेल्फ मायोफेशियल रिलीज. अब इसकी इतनी डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है. बेसिकली तुम्हारे मसल के अंदर सोरनेस, टाइटनेस हो तो ये उसको रिलीज करने में हेल्प करती है. अब कई चीज़ें बहुत ध्यान में रखनी है फोम रोलिंग करते हुए. उनमें से एक है कि कभी भी फोम रोलिंग अपनी बोन पे नहीं करनी, हमेशा मसल्स पे करनी है. तो मैंने सारी लेग्स की फोम रोलिंग की है एंड उसके बाद द सेकंड वार्म अप एक्सरसाइज इज बेसिकली हिप शिफ्ट. मैं केटल बेल के थ्रू अपने लेफ्ट और अपने राइट हिप्स को लोड कर रहा हूँ और बेसिकली उन्हें बता रहा हूँ, तैयार कर रहा हूँ कि यस आज तुम्हारा बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है. मेरे लेफ्ट हिप में इंजरी भी है, स्नैपिंग हिप सिंड्रोम प्लस अ लिटिल बिट ऑफ इम्पिंजमेंट है. वो सब एक एक्सीडेंट के दौरान हुआ था, कभी भी मुझे जिम में इंजरी नहीं हुई, टच वुड। सो बेसिकली आफ्टर हिप शिफ्ट हम क्या कर रहे हैं, वी आर जस्ट एक्टिवेटिंग आवर ग्लूट एंड क्वाड मसल्स। हम अपनी लोअर बैक या अपर बैक का ध्यान नहीं दे रहे, हम सिर्फ अपनी बॉडी को बेंड कर रहे हैं, ग्लूट्स और क्वाड्स को लोड कर रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि येस गेट रेडी फॉर अ किलर वर्कआउट जो हम आगे जाके करने वाले हैं। आफ्टर दिस वी आर परफॉर्मिंग सम गॉबलेट स्क्वाट्स और इसके साथ साथ हम अपनी एंकल मोबिलिटी के लिए थोड़ी रोटेशंस कर रहे हैं लोड के साथ, ताकि हमारा एंकल अच्छी तरह मोबाइल हो जाए और हम अच्छे मोर डेप्थ में जा पाए, अच्छे तरीके से स्क्वाट, अच्छे तरीके से डेडलिफ्ट, सब कुछ अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाए। सो बेसिकली दिस इज अ वेरी गुड थिंग जो तुम्हें अपने वार्म अप सेट में ऐड करनी चाहिए। उसके बाद थोड़ी देर स्क्वाट पोजीशन में बैठना भी चाहिए ताकि सारा ब्लड फ्लो सही जगहों पे जाए और तुम अच्छे तरीके से मैक्सिमम परफॉर्मेंस दे पाओ। अब हम शुरू कर रहे हैं हमारे लो बार स्क्वाट से। ध्यान से देखो, मैंने स्क्वाट शूज भी पाए हुए हैं, मैंने अपनी बेल्ट भी यूज की है और मैंने अपनी नी रैप्स भी यूज करे हैं। सो बेसिकली लो बार स्क्वाट्स में हमारा मेन ग्लूट डोमिनेंट रहता है, क्वाड्स इतने काम नहीं करते। मैं बेसिकली सबसे पहले सबसे हैवी सेट्स करता हूँ आफ्टर माई वार्म अप, तो इसकी जितने भी रेप्स जितने भी सेट्स मैंने किए हैं अपने वर्कआउट प्लान में वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में एक फ्री वर्कआउट मिल जाएगा एंड उसके अलावा इन सारी चीजों का लिंक भी मिल जाएगा, बेल्ट का, रैप का और मेरे शूज का। सो आफ्टर लो बार स्क्वाट्स हमने करी थी रोमेनियन डेडलिफ्ट्स। अब हमारा सेटअप बहुत मैटर करता है, चाहे वो कोई भी एक्सरसाइज हो। रोमेनियन डेडलिफ्ट्स में हमेशा ध्यान रखना हमने ग्लूट और हैमस्ट्रिंग को मैक्सिमम लोड करना है और लोअर बैक को मिनिमम, क्योंकि लोअर बैक को ट्रेन करने के लिए ये बेस्ट एक्सरसाइज नहीं है। तो जब भी तुम्हारा ग्लूट और तुम्हारा हैमस्ट्रिंग एक फुल लेंथन पोजीशन पे चल जाए उसके बाद तुम्हें और नीचे जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है गाइस। तो द थर्ड एक्सरसाइज जो अब हम कर रहे हैं आर गॉबलेट स्क्वाट्स। बेसिकली हमारे हील एलिवेटेड शूज के बाद भी मैंने हल्की सी हील एलिवेशन ली है ताकि मेरे क्वाड, ताकि मेरी नी फ्लेक्शन बढ़ जाए और सारा जो लोड है वो मेरे क्वाड्रिसेप्स पे आए, मेरे क्वाड ज्यादा से ज्यादा काम कर पाए। सो इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज इज बेसिकली लेग प्रेस। सो लेग प्रेस में मैं पहले तो किसी को समझा रहा था कि मेरी पैरों की प्लेसमेंट नीचे क्यों थी लेग प्रेस में, मेरा लेग प्रेस ऐसा क्यों नहीं था कि मेरे पैरों की प्लेसमेंट ऊपर थी या वाइड थी। तो बेसिकली इस लेग प्रेस के थ्रू मैं अपने क्वाड्स को एक्टिवेट करना चाहता था, क्वाड डोमिनेंट लेग प्रेस लगा रहा था, मेरा सारा लोड क्वाड्स पे आ रहा था जिसकी वजह से मेरी नी फ्लेक्शन ज्यादा हो रही थी और मेरा क्वाड अच्छे तरीके से लोड हो रहा था। इसके भी अच्छे खासे रेपिटेशंस हमने खींचे हैं, अच्छे खासे सेट्स हमने किए हैं, तो वो सब तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब कई चीजों का ध्यान रखो लेग प्रेस करते हुए, तुम्हारे ग्लूट्स उठने नहीं चाहिए सीट से। कई लोग सीट से ग्लूट्स उठा लेते हैं या पूरी जान लगाने के लिए बैक आगे कर लेते हैं। यू नीड टू बी स्टेबल, स्टेबिलिटी इज द की गाइस। अब इसके बाद द नेक्स्ट एक्सरसाइज एंड ऑलमोस्ट हमारी लास्ट एक्सरसाइज इज सीटेड काफ रेसेस। बस इसमें इतना ध्यान रखना कि जब भी तुम लोड कर रहे हो काफ्स को इतना ही लोड देना कि तुम फुल रेंज ऑफ मोशन अचीव कर पाओ। मैंने लोग देखे हैं जो बहुत ज्यादा वेट पा लेते हैं पर अपने काफ को फुल स्क्वीज एंड स्ट्रेच ही नहीं करते, तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से स्ट्रेच एंड स्क्वीज लेना है काफ का, काफ तभी ग्रो करते हैं। तो अब ये हमारी लास्ट रिहैब एक्सरसाइज है। मेरे हिप में एक स्नैपिंग हिप सिंड्रोम नाम से इंजरी होती है वो थी और मेरा हिप आईटी बैंड के साथ स्नैप करता है, तो पिछले 2 साल से ये एक्सरसाइज कर रहा हूं मैं जिसकी वजह से मेरे हिप को बहुत आराम है। तो एक्सरसाइज है क्या, हमने अपने एंकल्स पे वेट डाला, हम साइड पोजीशन में लेके और हमने एब्डक्शन मूवमेंट्स की, दैट्स इट। ये तुम्हें बहुत आराम दे सकती है अगर तुम्हें स्नैपिंग हिप सिंड्रोम है। एंड अगर तुम यहाँ तक इस ब्लॉग में बने रहे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग गाइस।